सेकेंड रीजन है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि जब इन शॉर्ट पीरियड अगर आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करें, मतलब हम फिक्स्ड फैक्टर्स आपको पता कौन कौन से होते हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, जो हमारी लॉन्ग टर्म में चलने वाले जो हमारे इनपुट्स हैं, हम कहेंगे अगर हम उनके साथ कंबाइन कर दें अपने वेरिएबल फैक्टर्स को, ठीक है, तो हम कहते हैं स्टार्टिंग में क्या होगा, शॉर्ट पीरियड में अगर आप जितना ज्यादा अपने वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करेंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तब आपकी जो कॉस्ट है यानी कि एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा आपके रिसोर्सेज का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक मशीन है, हमने बोला हमारे पास उसकी कैपेसिटी है कि वो 100 आइटम्स बना सकती है पर डे, हर दिन वो 100 आइटम्स बना सकती है एक मशीन। लेकिन अगर आप उसमें अगर 40 आइटम्स बनाते हो सिर्फ, तो क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब आप उसकी कैपेसिटी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तो जैसे जैसे आप अपना 40 से 100 तक पहुंचोगे, आपने 40 आइटम्स बनाई, 50 बनाई, 60 बनाई, 70 बनाई, 80, फिर 100, तब 100 तक जब तक आप जाओगे तो 100 यानी कि आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो उस मशीन का, आप अच्छे से यूज कर रहे हो, तो आपकी कॉस्ट क्या होती रहेगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे स्टार्टिंग में आपकी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज। फिर आप एक मिनिमम पॉइंट पे आ जाओगे, यानी कि जब आप 100 आइटम्स बनाओगे प्रॉपर, मतलब जितनी आपने कैपेसिटी थी मशीन की उतनी आपने पूरी यूटिलाइज कर ली, मीन्स 100 आपने यूटिलाइज कर लिया, तब आप मिनिमम पॉइंट पे आ गए, ठीक है। या उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपने अगर 100 से ज्यादा आइटम बना दी, मान लो आपने 150 आइटम्स बना दी, लेकिन कैपेसिटी उस मशीन की कितनी थी 100, तो आपने ओवर यूटिलाइजेशन कर दिया। ओवर यूटिलाइजेशन किया तो मतलब क्या होगा, आपकी कॉस्ट क्या करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे एसी यानी कि कॉस्ट होने लग गई इंक्रीज, क्योंकि आपने मशीन को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर दिया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाएगी यानी कि ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज होने लग गई। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में देखो तीन स्टेप आएंगे। फर्स्ट स्टेज आएगी आपकी डिक्रीजिंग कॉस्ट मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कि आपकी कॉस्ट घट रही है और आपको रिटर्न्स मतलब फायदा ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या आएगी, इंक्रीजिंग कॉस्ट की कॉस्ट तो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स कि आपके रिटर्न्स कम होने लग गए और कॉस्ट बढ़ने लग गई। कॉस्ट बढ़ने लग गई तो इसलिए हम कहते हैं एसी कर्व क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी। तो ये कह रहे हैं देखो यहाँ पे इसके हिसाब से देखो कि एट फिर अगर फिगर हम देखेंगे ए वाली, यही फिगर ये ए मान लीजिए, तो ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं दैट बिफोर पॉइंट ए, ए पॉइंट से पहले आउटपुट ओबेज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब आपको फायदा ज्यादा मिल रहा है और आपकी कॉस्ट डिमिनिशिंग कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट कम होना मतलब आपकी कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, देखो इसलिए कर्व क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। फिर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर क्या हो रहा है, मिनिमम पॉइंट है तो आउटपुट इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब सबसे अच्छा लेवल क्या है, ये कि आपने जितनी उसकी कैपेसिटी थी आपने उतना ही यूज कर दिया, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब कि जितना उसकी मशीन की कैपेसिटी थी आपने बिल्कुल प्रॉपर उतना ही यूज किया उसका। फिर आफ्टर पॉइंट ए, क्या हम कहेंगे आफ्टर पॉइंट ए इंक्रीजिंग यूज ऑफ वेरिएबल, तो हम बोलेंगे हमारे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग कॉस्ट। डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि आपको मिलने फायदा कम मिल रहा है क्योंकि आपने ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई, आपकी लागत ज्यादा लग रही है और आपके रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, तो इसलिए आपकी कॉस्ट होने लग जाएगी इंक्रीज। इसकी वजह से हम कहते हैं हमारा एसी कर्व इज यू शेप्ड।